यहाँ पे मम्मी तिरछी पिटल चट। मैं डर गई। नूडल, मैक्रोनी, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, छोले भटूरे। भूल जाती हूँ मैं, याद नहीं रहता मुझे। हमारे यहाँ बहुत बदतमीज लड़के रहते हैं। मॉर्निंग, सुबह के बज गए 12, मतलब दोपहर हो गई, दोपहर के 12 बज गए। और मैंने कृष्णा से अभी अभी ये देखो अपने लिए ना खरबूजा मंगाया है। इसको खरबूजा ही बोलते हैं ना। हाँ। पता नहीं क्या बोलती, मिट्टी लगी हुई है क्या? कृष्णा इसको धो के ला बाहर से। देख कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है इस पे, ये देखो बहुत सारे खरबूजे पड़े हैं। ये देखो इस पे मिट्टी लगी, खरबूजे तो पड़े बहुत सारे। देख कितनी सारी मिट्टी लगी है। इसको मैं छीलूंगी ना तो हाथ में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। इन चारों को धोया ले, प्लेट लेना साथ में। हाँ, इनको ना इसके अंदर बैठा के ले आना वापस। तो कृष्णा को मैंने भेजा है खरबूजा धोने के लिए, और कृष्णा ने अपने लिए निकाला है आम। वो खाएगा आम धो के। और उसने अपना टेलीविज़न भी ऑन कर लिया है सुबह से। मैंने आज ना अपना को भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ना सुबह नहा के अपना सारा काम करके फिर मैं ना अपने कल के व्लॉग को ना एडिट करने लग गई थी। मैंने सोचा मैं अपना जल्दी जल्दी से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, ताकि अपना पहले सबसे पहले अपना वीडियो पोस्ट कर दूँ और उसके बाद अपना नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने देखी अभी अभी मैंने ना जस्ट अपना वीडियो एडिट करके डन किया है। अभी मुझको उसको ना पोस्ट पे लगाना है, तो पहले मैं अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कृष्णा से मंगवाया है खरबूजा। तो अपना खरबूजा मतलब बाद में खाऊंगी, पहले मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। तो आज बनाई थी सब्जी घर में, कौन सी सब्जी, अरबी। हाँ, आज भूल जाती हूँ मैं, याद नहीं रहता मुझे। तो आज बनाई थी अरबी की सब्जी। खाना मैंने खा लिया है, खाना मैंने खा लिया था 11 बजे। क्योंकि क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो इतना लेट। झाड़ू निकाला हुआ है सुबह, और फिर से देखिए इतनी सारी मिट्टी आ गई है। देखिए कितनी सारी मिट्टी आई है और उड़ के ये देखिए। कृष्णा फिर से झाड़ू निकालना पड़ेगा। क्यों? पर्दे से। ये देखो पर्दा उड़ रहा है ना। ओ, ये पर्दा फिर से फट गया। चल झाड़ू दे, मैं झाड़ू निकालू यहाँ से। पैरों में मिट्टी मिट्टी आ रही है। ले दे दे मुझे, मुझको दे दे। तो पीछे से निकालना है उसको, उसको ना ऐसे झटका थोड़ा सा, कहीं भी झटका ले। अंदर झटका रहा है ना अगर तू, तो धीरे धीरे झटकाना, क्योंकि फिर ना मिट्टी उड़ उड़ के आएगी। थोड़ी सी मैंने ना आज ना सफाई भी की है, कि ये बेड है ना मैंने पीछे से देखिए थोड़ा गैप कर दिया, ताकि ऐसे ना झाड़ू निकल सके अच्छे से। और उस साइड भी मैंने गैप कर दिया बेड में। वो देखो आम खाने लग गया। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और ये अपना आम भी खाने लग गया। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी आई है। अभी मैंने ना इधर उधर का झाड़ू निकाला है, किचन के साइड तो मैं गई भी नहीं हूँ, और इतनी सारी मिट्टी ये थी। ये देखो मैंने अपना झाड़ू भी लगा लिया। कृष्णा बाहर का गेट लॉक लगा, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई सीधे से अंदर ना आ जाए। देखिए मैंने अपने लिए खरबूजा निकलवा लिया। हाँ, हमारे यहाँ बहुत बदतमीज लड़के रहते हैं। हाँ, हमारे ना बहुत बदतमीज लड़के रहते हैं यहाँ पे पास में। और ये देखिए ये मेरा खरबूजा, ये कृष्णा, कृष्णा का आम, कृष्णा ने खा लिया, उसको मैंने गेट बंद करने के लिए भेजा है। और ना कल रात को मेरे साथ एक ना इंसिडेंट हो गया फिर से, है ना कृष्णा? क्या हुआ तू बताएगा, मैं बता दूं? मैं बताऊंगा। बता दे। ये ले मम्मी सोते मोबाइल चलाए थी रात के 12 बजे तक, यहाँ पे मम्मी की चिपकली चढ़ गई। ओह नो, चिपकली का बच्चा था वो, बच्चा था ना वो चढ़ गया। हाँ, फिर मम्मी जी क्या, हस्बैंड जी ना देखिए वहाँ पे सोए हुए थे, कृष्णा मेरे पास यहाँ पे सोया हुआ था, और मैं इस साइड थी, यहाँ पे मेरा हाथ था। तो ना मेरे देखिए इस हाथ पे, कौन सा लेफ्ट हैंड पे ना मेरे ना इधर, ये देखिए इधर ना छिपकली का ना छोटा सा बच्चा चढ़ गया था रात को। तो मुझे ना कुछ फील हुआ, कैसे कुछ ना मेरे हाथ के ऊपर ना कुछ चल रहा है। तो मैंने उसको ऐसे देखा, तो देखा छिपकली का बच्चा। मैं डर गई, मैंने उसको ना थोड़ा सा चिल्लाई मैं, और फिर ऐसे ऐसे मैंने हाथ को झटकाया, और फिर वो छिपकली का बच्चा नीचे गिर गया। और ऐसा हो गया कल रात को मेरे साथ। फिर इसके बाद कृष्णा को भी इतना डर लगा, इतना डर लगा। कृष्णा ने बोला मम्मी आप ना बेड को, सारी छिपकलियों को बाहर निकालो, और बेड को थोड़ा दीवार से ना थोड़ा सा ऐसे खींच लो। तो फिर रात को हमने ना ये बेड ना सेंटर में करके हम सोए थे। मैंने इस बेड को ना थोड़ा खींच लिया था, ताकि ये बेड ना दीवार के भी ना लगे, और ये बेड ना हस्बैंड जी के बेड से भी ना लगे। इसलिए हमने इस बेड को ना सेंटर में करके हम सोए थे रात को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोपहर के 12 बज गए, मैंने सर नहीं बाया। अब मैं अपना मोबाइल रख के सबसे पहले बाऊंगी सर। मैं तो पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, चाइनीज खाना है। कोई एक चीज बनाऊंगी। क्या?
जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना उसके बाद कोई एक चीज ही बनाऊंगी। तू एक चीज ही बता क्या बनाना है। नूडल, मैक्रोनी, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, छोले भटूरे, बता इन छह चीजों में से कौन सी चीज बनानी है। पिज्जा। पिज्जा? इन सबसे ज्यादा तुझे पिज्जा पसंद है क्या? नहीं। तो सबसे ज्यादा पसंद छोले भटूरे आपके आते हैं। तो पसंद सबसे ज्यादा तुझे छोले भटूरे हैं और मांग तू पिज्जा रहा है, क्यों? खाने का मन है। सामान बहुत मंगवाना पड़ेगा बाहर से। छोले भटूरे के लिए तो भाई छोला मंगवाना है, मैदा मंगवाना है, बाकी पिज्जा के लिए सामान सारे खत्म हो गए। परसों चाहिए। अच्छा परसों? तो तब ना कल ना परसों ना आज, जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद, जस्ट बाद नहीं कुछ दिन बाद अमावस को जाएंगे हॉस्पिटल, पापा मुझको लेके वहाँ पे जाके मेरा टेस्ट होगा, फिर मेरी रिपोर्ट आएगी, फिर पता लगेगा कि मेरा थायराइड कम हुआ है नहीं हुआ। अगर मेरा थायराइड मतलब ठीक हो गया तो मैं उसको हफ्ता 10 दिन ठहर के फिर मैं बनाऊंगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। सारा कसूर तेरा है। आपकी गलती, इतना मैदा खाया, इतना चाउमीन खाया, तो पेट को था के सो जाते हो, फिर इतना बड़ा पेट चल गया, और अब मैं तो दे रहा हूँ सर मेरी गजब बेइज्जती है। तुम लोग भी तो सोते हो, तुम लोगों का पेट तो नहीं आता बार। हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। मेरा ही पेट क्यों आता है बार? हम जिम करते हैं, आप भी किया करो तो। ओ तू डेली जिम करता है? तो फिर ये देखो, बस मुझे दिखाने के लिए जिम कर रहे हैं। नहीं तो पेट के ना 3 बज गए हैं और ये कृष्णा खा रहा है। क्या खा रहा है दिखा, मट्ठी। ये देखो, ये मैंने उस दिन जो बनाई थी ना वो मट्ठी खा रहा है। और ये देखिए मेरे पास ये जो, ये देखिए ये सारा सामान पड़ा है। ये मैंने ना देखिए अपने इस ब्लाउज की ना अभी अभी बैठ के, ये देखिए इस पे ना मैंने, ये रहे मैंने अभी इस पे ना हुक लगाए हैं, तो हुक मैंने लगा लिया। ये बेड पे मत खा, ये दे तूने खिला दिया यहाँ पे, फिर ना कीड़िया आएगी, रात को कीड़िया खाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कृष्णा ना अभी अभी अपनी चाय चढ़ा के आया है खुद से ही। मैं भरोसा नहीं करता, अभी इसने 3 बजे बनाई है, 5 बजे फिर से बनाएगी। अब ये 2 बार चाय पिएगा ये बोल रहा है। आज मैं दिन भर रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? हाँ तूने आज सुबह से रोटी नहीं खाई? ये मेरा आज का डेर है। ये कोई डेर नहीं है, चुपचाप ना खाना खा ले। अभी अभी कृष्णा ने कुछ देर पहले ना तरबूजा खाया था, वाटरमेलन खाया था। हाँ कृष्णा कैसे बने राइस? बड़े तीखे। तीखे हैं क्या? खाना दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, तीखे क्यों है? नहीं, मैं तो। और हस्बैंड जी बैठे हैं टावल में, कृष्णा के साथ टावल में बैठ के खाना खा रहे हैं। दही डाल के खा रहे हैं तो? नहीं, क्यों झूठ बोल रहा है, दही डाल के खा रहे हैं। इसमें ना थाली में दही दिख रहा है मुझे, आप तो जानबूझ के खा रहा है इसको, वैसे तू दही डाल के। ये देख दही पास में रखा हुआ है। अभी आप कहीं जा रहे हो वापस, है ना? कल वाली जगह जा रहे हैं हसमन जी, क्योंकि हसमन जी कल जिस जगह पे गए थे ना वहाँ पे उनका काम नहीं बना, तो आज फिर से जाएंगे। और कृष्णा भी साथ में जा रहा है। हम 9 बजे तक आ जाएंगे। 9 बजे नहीं आ सकते तुम लोग? हम 10 बजे आ जाएंगे ना। 10 बजे तक आओगे? 9:30-10 बजे तक आओगे? तो लेट हो रही है, 8:30 हो गई, मुझे 8:30 तक बस ही नहीं रहा, जल्दी जाना था। झुकने सा झुकना भी मत कभी। ओके बर्तन दे दो लेना। ठीक है। तो फ्रेंड्स रात के बज गए 11, हसबैंड जी सो गए और वो कृष्णा देखो मोबाइल लेके अभी तक बैठा है। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शुभ रात्रि।